Hey, good morning everyone, and today I am going to start a new chapter linear equation in two variable for class 9th. आप लोग अच्छे से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी स्टेप इजी से इजी प्रोसेस में बताऊँ आपको ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स। ये तीन चीज़ें, तीन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये पहले हम लोग समझेंगे। तो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आप समझते हैं कि वेरिएबल मतलब होता है कि वैसा वैल्यू जो चेंज करे, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है, इस तरह से एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ये सभी क्या हो जाता है, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम लोग एक्स वाई जेड सबका इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पे इक्वेशन में ए बी सी भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी मतलब अल्फाबेट्स जो ये सभी हैं, इसके अलावा भी एस टी यू भी डब्ल्यू, ये सब भी हम लोग लेते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज करते रहता है। अब जो है आप कहेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन मीन्स होता है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी, इट मीन्स कि कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ के इक्वल में होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि एक मान लीजिए कि द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ बुक। जैसे मान लीजिए इसमें कहा कि एक पेन का कॉस्ट जो है एक बुक के कॉस्ट का डबल है। ठीक, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक बुक का कॉस्ट है, मान लीजिए बुक का कॉस्ट है एक्स रुपी, तो पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है, जो इसके इक्वल में है, दोनों एक दूसरे के इक्वल में आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के या कोई भी चीज़ है दूसरे चीज़ों के अपेक्षा अगर इक्वल होता है, यानी कि ना बड़ा हो ना छोटा हो, तो वही कहलाता है इक्वेशन। अब कहेंगे कि लीनियर क्या होता है, तो बच्चों लीनियर होता है क्या, तो वैसा इक्वेशन जिसका हाइस्ट पावर, जिसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, तो हाइस्ट डिग्री वन हो, वही क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, समझ गए, तो इसमें क्या है, इसका पावर कहीं पे ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो ये क्या हो गया, इसका पावर कुछ नहीं है तो वन होगा, इसका भी नहीं कुछ है तो वन होगा, तो ये कहलाएगा वन वेरिएबल में, वन यानी कि लीनियर कहलाएगा। हाँ, अगर आपके मन में ये भी आया होगा कि चलिए ये तो है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब वन वेरिएबल में क्या होगा, तो वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स रहे या फिर वाई रहे या ए बी सी डी एस टी यू भी कुछ भी रहे, कोई एक रहेगा। जैसे एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसमें सिंगल वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है एक्चुअलिटी में। तो वेरिएबल मीन्स जो कि एक्स वाई जेड जो कि वैल्यू इसका चेंज करता है। मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन ले लिया कि एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया, पुट कर देता हूँ मैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहीं पे आपको पता चल जाएगा कैसे वैल्यू चेंज करता है। तो एक्स का वैल्यू जीरो कर देंगे हम लोग और टू वाई इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, तो टू वाई इज इक्वल टू फोर। अब जो है ये इधर दोनों मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई में अगर कोई भी वैल्यू चेंज साइड चेंज करता है, तो वो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा फोर अपॉन टू, टू टू जा फोर, इट मीन्स कि y का वैल्यू कितना हो गया, टू हो गया। हाँ, सिमिलरली अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू ले, अब पुट कर देते हैं कि एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, पुट कर दिए मान लीजिए, तो इसमें क्या वैल्यू होगा, तो जैसे कि x के जगह तो 2 रख लेंगे प्लस 2 और y तो रहेगा ही इज इक्वल टू 4, तो 2y क्या हो जाएगा, फिर ये जब ये साइड चेंज करेगा तो इधर तो पॉजिटिव वैल्यू है, साइड राइट साइड में जाएगा इक्वल के राइट साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा,
तो टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, तो वाई इज इक्वल टू टू अपॉन टू कैंसिल होके वन हो गया, इसीलिए वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या हो जाएगा, वेरिएबल है, बिकॉज मैंने जब वैल्यू लिया, जैसे जैसे वैल्यू लिया तो इसका वैल्यू भी चेंज कर गया, मतलब एक्स का वैल्यू मैंने जब जीरो लिया तो वाई का वैल्यू टू, एक्स का वैल्यू मैंने टू लिया तो एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू वन हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू चेंज करते रहता है, इसीलिए ये सभी जितने भी अल्फाबेट्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो बच्चों इसको इसका जो मेन इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, वो किस फॉर्म में होता है तो वो भी देख लीजिए आप। तो इसका इक्वेशन होता है यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसके फॉर्म में होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ए बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इसमें ये एक्स और वाई सिर्फ क्या होता है, इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होता है इसमें एक्स और वाई वेरिएबल होता है, बाकी ए बी सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इट मीन्स कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन क्या होता है, इसके बेसिस पे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि x का जो कोफिशियंट होता है वो उस a का वैल्यू होता है, ये a, ठीक, तो a b और c यहाँ पे हो जाएगा क्या, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मींस क्या, तो ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है। और रही बात x y का, तो यहाँ पे x और y क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ये सभी वेरिएबल्स कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी चैप्टर्स होता है, जो भी उसकी थ्योरीज होती है, उसको हम अच्छे से लर्न कर ले, अच्छे से हमारे अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, 4.1 एक्सरसाइज है आपके चैप्टर का, एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि एक नोटबुक का जो कीमत है एक पेन के कीमत का दोगुना है, समझ गए। तो कहता है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है टू वेरिएबल्स में इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहली बात क्या है बच्चों, कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना होगा कि क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो कहता क्या है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है, किसके, दोगुना है, ट्वाइस मतलब दोगुना है, किसके, तो एक पेन के कीमत का दोगुना है, एक नोटबुक का कीमत। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स में हमें लिखना है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट, जैसे कि देखिए सॉल्यूशन इसका देखिएगा, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, पहले मान लेते हैं नोटबुक इज एक्स या बी एक्स, ठीक है, बी एक्स, एक्स मान लिया मैंने, कि मैंने माना कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट होगा वो एक्स होगा, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपी वाई, रुपी का सिंबल ले लीजिए तो वाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है ये नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के डबल कॉस्ट के इक्वल में है, मतलब दोनों का कॉस्ट इक्वल है। देखिए मैंने बताया था कि इक्वेशन मीन्स होता है क्या, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी। तो अब इसमें क्या है कि दोनों का मैंने कॉस्ट इक्वल कर दिया, बट क्वेश्चन क्या कहता है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है, तो पेन का कॉस्ट क्या है, वाई है ना, तो वाई यानी कि इसका अगर हम डबल कर दें यानी कि टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये
एक नोटबुक के कोस यानी कि एक्स के इक्वल में आ जाएगा। तो यही हुआ एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करना था टू वेरिएबल्स में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए कि एक्स इधर ले आइए आप तो टू वाई माइनस टू वाई हो जाएगा, साइड चेंज करेगा इज इक्वल टू जीरो, आप इतना पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। तो इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है कि ए सभी इक्वेशंस को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर क्या करना है हमें कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखिए आपका ये इक्वेशंस है कुछ, तो मैंने ले लिया है एग्जांपल्स के लिए ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जनरली हम लोग इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है कि देखिए आपको इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो ऑलरेडी है 2x प्लस 3y और इधर है 9.35 अपॉन बार, ये 5 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस लग जाएगा, तो 9.35 बार इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं रहा रिमेन, तो जीरो हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करना है कि देखिए इसके फॉर्म में आ गया, ये हो गया आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोफिशियंट a, तो a मतलब यहाँ भी x का कोफिशियंट a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, y का कोफिशियंट b, तो यहाँ भी y का कोफिशियंट कितना है 3, तो b का वैल्यू 3, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट होता है, तो c में देख लीजिए यहाँ माइनस भी लगा हुआ है। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते तो हैं जिस तरह से लिखा रहता है हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, बट हम लोग लिखने में गलती कर देते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने तो पढ़ा माइनस 9.35, और जब मैं आपसे पूछूं कि c का वैल्यू क्या होगा तो आप सीधे बोल दोगे 9.35 बार, तो ये यहाँ पे आप गलती कर देते हो। जो माइनस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे रीड करते हैं हम लोग, वैसे उसका वैल्यू हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 बार, यही इसका आंसर हो गया। इक्वेशन भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गया, और ए बी सी तीनों का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है कि एक्स माइनस वाई बाई फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन के फॉर्म में ऑलरेडी है ये, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट नहीं है कुछ, तो यहाँ पे हमेशा वन होगा। अगर किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशियंट शो नहीं किया रहता है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी एक्सेट्रा, तो वहाँ पे उसका कोफिशियंट वन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ए, यानी कि ए एक्स प्लस, या प्लस नहीं तो कोई बात नहीं, साइन कुछ भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो माइनस फाइव बाई वाई बाई फाइव और माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो ये ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है। तो हमें फाइव वैल्यू फाइंड क्या करना है, तो ए का, तो ए का मतलब क्या, एक्स का कोफिशियंट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन। बी का वैल्यू, तो वाई को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि वाई का कोफिशियंट होता है बच्चों, तो हम लोग वाई बाई फाइव को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वन बाई फाइव इन टू वाई, बिकॉज ये वाई जो मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर में फिर से आ जाएगा वाई बाई फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बी का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, बट माइनस लगा हुआ है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, वन बाई फाइव, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टेन, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है। अब फिर क्या है इसमें देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी इसको क्या करना है, इक्वेशन क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, राइट साइड में इक्वल में जीरो कर देंगे, तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इधर लाएंगे तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। सिंपल क्या करना है हमें कि ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का कोफिशियंट माइनस टू, बी का वैल्यू फाइंड करेंगे वाई का वैल्यू थ्री कोफिशियंट, और सी का वैल्यू फाइंड करें तो माइनस सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसमें हम लोग कर लेंगे कि जैसे देख लीजिए एक्स इसको ले आइए इधर, आप इक्वेशन जो जिसके फॉर्म में होता है वो इक्वेशन का हम लोग फॉर्म भी लिख लेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या करेंगे ऐसे ही रखेंगे, वाई को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस थ्री वाई इधर रह जाएगा जीरो। अब क्या है कि एक्स का कोफिशियंट नहीं है कुछ, तो वन तो होगा ही, तो ए का वैल्यू हो जाएगा वन और बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री,
तो बी का वैल्यू लिख लेंगे -3, और यहाँ पे कहेंगे कि अब सी तो है ही नहीं, तो जो वैल्यू नहीं है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बच्चों समझ में आया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का, क्योंकि आपका 4.1 मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसमें कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है और क्यों सही है ये बताना है हमें, जिसमें इक्वेशन हमारे पास ये है और दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू लेकर के, अपने मन से लीनियर इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसे हम लोग फाइंड करके पता करेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास है वाई इक्वल टू 3x+5, तो हम लोग कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 × x के बदले में यहाँ पे क्या रखेंगे 0 + 5, इट मीन्स कि 0 + 5, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 5 हो गया। अब देखिए कि मान लीजिए आप पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 × x के बदले में हम लोग 1 रख लेंगे और +5, तो 3 × 1 = 3 और +5, यानी कि इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखिए जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y आया 5, जब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू आया 8। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चेक करें y का भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम x का वैल्यू रख सकते हैं, y का भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने y का वैल्यू रख दिया, पुट y इक्वल टू 2, तो देन क्या हो जाएगा, देख लीजिए y के बदले में हम लोग 2 रख देंगे इक्वल टू 3x और +5, इधर ले आइए आप 5 को, तो 2 - 5 इज इक्वल टू 3x, तो ये माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू 3x, क्योंकि बच्चों स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर माइनस हो रहा है, तो माइनस तो हम लोग कर लेंगे लेकिन लार्जर नंबर का जो साइन होता है वही साइन लगेगा, इसलिए माइनस लगा। अब हम लोग इसको रख लें, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर आने पर 3 इसको डिवाइड कर देगा, तो x तो कैंसिल कर दीजिए, 3 × 1 = 3, तो -1 = x, देयरफॉर x इक्वल टू -1। तो इसका वैल्यू देख लीजिए, जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू आ गया -1। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू ले, चाहे x का हो या y का, कोई भी वैल्यू लेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा y का। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, अगर मैं y का वैल्यू कुछ लेता हूं तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है, हम लोग कोई सा भी वैल्यू लें, कितना भी वैल्यू लें, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं, मैंने 2 इक्वेशन ले लिया और इसमें सभी का 4-4 सॉल्यूशंस लिखना है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स का, तो मैंने आपको बताया भी था कि लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जब मैं 0 ले लूँ तो यहाँ पे 2 × x के बदले में मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा, +y इज इक्वल टू 7। तो ये किस हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 + y इज इक्वल टू 7, देयरफोर y इक्वल टू क्या हो गया 7। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू आ गया 7, ये आंसर हो गया, एक सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि देखिए जब मैं अगर पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू भी आप पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं x इक्वल टू 1 ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए जैसे कि 2 × x के बदले में मैं 1 ले लूंगा और +y इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 और +y इज इक्वल टू 7। या फिर आप इसको राइट साइड में ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, y इधर आने पे साइन चेंज हो जाएगा, तो -2, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया -5 हो जाएगा। ठीक, तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू आ गया 5,
तो इस तरह से आप और भी दो वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते हो, जैसे आप वाई एक्स का वैल्यू 2, 3 कुछ ले लेना, आप ऐसे दो और दो सॉल्यूशन और निकाल लेना, 4 हो जाएंगे आंसर। अब है कि पाई, पाई में क्या करना है, इसमें भी पाई का क्या वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये कांस्टेंट होता है बिकॉज इसका वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही सिमिलरली बनाएंगे, पुट कर देंगे हम लोग x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 9, और फिर क्या करेंगे यहाँ भी पाई को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही होगा, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 9, देयर फोर y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो जब मैंने x का वैल्यू लिया 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, और ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स के बदले में 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, या फिर पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अब पाई को क्या कीजिए राइट साइड में ले आइए, तो वाई इक्वल टू 9 इधर आएगा तो माइनस पाई, तो इस तरह से हो गया। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू हो गया 9 माइनस पाई। तो बाकी के बच्चों दो सॉल्यूशंस आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सो हम लोगों को कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसमें से जो पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसमें से मैंने दो पॉइंट्स ले लिया, बाकी आप इजी है उसको आप सॉल्व कर सकते हो इसके बेसिस पे। तो कहता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है तो इस पॉइंट्स को पुट कर देंगे, तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट है, तो पहला वैल्यू क्या होता है एक्स का और दूसरा वैल्यू वाई का होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये इसमें भी एक्स का वैल्यू है ये वाई का वैल्यू है। तो हमारे पास क्या है कि वी हैव इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, आप इसको मान लीजिए LHS, ठीक ना, और इसको मान लीजिए RHS। तो फ्रॉम LHS से अगर हम लोग चलें तो देख लीजिए क्या है कि x माइनस टू वाई, अगर दोनों का वैल्यू x और y का वैल्यू पुट करने पे LHS जो है अगर RHS के इक्वल में आ जाए तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 4 माइनस टू इंटू वाई का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस टू, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 4, मतलब RHS के इक्वल में आ गया, देयर फोर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, इसीलिए लिख देंगे कि 4 एंड 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब दिए गए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन। सेकंड भी है, इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो LHS से चलेंगे पहले LHS से, तो LHS में क्या है कि x माइनस टू वाई, ठीक, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है रूट टू, और y का वैल्यू तो 2 इंटू इसका वैल्यू 2√2 है, नहीं सॉरी यहाँ 2 नहीं था 4 था, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं 4√2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो √2 − 2 = 8√2 हो जाएगा। तो इसमें से आप √2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या इस, ये तो कॉमन मैंने ले लिया तो इसके जगह पे कुछ नहीं तो 1, इसमें से मैंने √2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा सिर्फ 8, मतलब कि √2 और इंटू माइनस कितना हो जाएगा 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं −7√2। तो आप देख सकते हो कि ये RHS यानी कि 4 के इक्वल में नहीं आया, तो इसलिए लिख लेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर यानी कि √2 और 4√2 ये जो पॉइंट है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, दैट्स ऑल, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू के। कहता है एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो कहता है के का मान ज्ञात कीजिए कि के का वैल्यू क्या होगा। सो क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, सो हमारे पास क्या है इक्वेशन तो है ही, हाँ 2x + 3y इज इक्वल टू k, या फिर हम लोग क्या करेंगे जहाँ पे x है x का वैल्यू 2 रख देंगे, तो यहाँ पे रख दीजिए 2
आप प्लस थ्री इंटू वाई के बदले में वाई का वैल्यू वन इज इक्वल टू के, या फिर हो जाएगा टू टू जा कितना फोर हो जाएगा, और ये थ्री वन जा थ्री, तो थ्री इज इक्वल टू के, और थ्री फोर थ्री कितना हो जाएगा सेवन इज इक्वल टू के, देयर फोर के इज इक्वल टू सेवन, यही हो गया आंसर, सिंपल है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में ये इक्वेशन दिया गया है, कहता है इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल होता है, आप इसके लिए परेशान ना हो ज़्यादा। सिंपली आपको करना क्या है, अगर कोई इक्वेशन दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में एक सिंपल सा एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लीजिए, एक वैल्यू हम लोग ले लेंगे क्या, तो एक्स का और दूसरा वाई का। तो यहाँ पे आप दो वैल्यू भी निकाल सकते हो, तीन वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर तीन वैल्यू निकालते हो तो उससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होगी, मतलब शुद्धता जो होगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में या ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में वो ज़्यादा ईजी होगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि सिंपली x और y इज इक्वल टू दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, x इक्वल टू वाई फोर इधर ले आएंगे y को, तो क्या हो जाएगा माइनस y। अब क्या करना है कि हम लोग अपने मन से कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू वन जीरो टू थ्री फोर कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने x का वैल्यू ले लिया जीरो, तो अगर मैं ये x का नहीं तो मैं तो y का वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, y का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू फोर और y के बदले में जीरो, देयर फोर x इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर। तो जब मैंने y का वैल्यू लिया जीरो तो x का वैल्यू कितना हो गया फोर। अब आप कुछ और भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू वन पुट कर देते हैं, तो पुट x y इक्वल टू पुट y इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x तो रहेगा ही ऐसे ही फोर और माइनस y के बदले में वन ले लेंगे, तो इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया थ्री। तो जब मैंने y का वैल्यू वन लिया तो x का वैल्यू आ गया थ्री। अब आप इसमें फिर क्या कीजिए, कोई एक और वैल्यू ले लीजिए कि पुट y इक्वल टू, मान लेते हैं कि मैंने टू ले लिया, y इक्वल टू टू, तो y का वैल्यू मैंने टू ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस x इज इक्वल टू है कितना y फोर माइनस वाई, तो यहाँ पे फोर माइनस टू हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा टू। तो मैंने जब x का वैल्यू y का वैल्यू टू लिया तो y का वैल्यू x का भी वैल्यू टू आ गया। तो आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा मतलब ऐसा वैल्यू आप लेना जिससे कि आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो ग्राफ पे जो हम लोग नंबरिंग करते हैं, या तो वो किसी नंबर का मल्टीपल हो या फिर एक सीरीज में हो, एक पैटर्न में हो, नहीं ये नहीं कि हाँ मैंने यहाँ लिखा वन टू थ्री, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया फोर हंड्रेड वैल्यू मैंने ले लिया, हाँ अब तो मैंने ऐसे लिखा वन टू थ्री यहाँ फोर हंड्रेड, दैट विल बी रॉन्ग मैथड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको सिंपली पहले करना क्या है कि ग्राफ पे पहले एक्स का वैल्यू पुट करेंगे देन वाई का। तो जब अगर वाई का वैल्यू, एक बात आपको ध्यान रखना है, इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन पे सारा वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू जीरो होता है। तो वाई का वैल्यू जीरो है, इट मीन्स कि यहाँ पे ओरिजिन पे आएगा, और एक्स का वैल्यू फोर है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इधर कोई आना है नहीं, तो इधर नहीं आएगी तो फिर इधर राइट साइड में आएगी एक्स, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू फोर, मतलब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इसका नेम रख दिया ए और कोऑर्डिनेट रख दिया एक्स का वैल्यू कितना फोर एंड देन वाई का वैल्यू जीरो। अगेन क्या करेंगे देख लीजिए, वाई का वैल्यू वन और एक्स का वैल्यू थ्री, तो थ्री एक्स का वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और वाई का वैल्यू वन, तो आप इस दोनों को अगर बढ़ाएं, एक्स का वाई का वैल्यू वन और एक्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू थ्री, तो यहाँ पे आके ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये पॉइंट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट बी दे करके लिख लेंगे, एक्स का वैल्यू थ्री एंड वाई का वैल्यू वन। अगेन क्या करेंगे आप देख लीजिए, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू टू टू है, मतलब ये दोनों आके कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आके मिल जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा नंबरिंग ये ऊपर होता, और तो इसमें ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि टू वन है ना, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टू थ्री फोर और फाइव। चलिए
तो अब जो है दोनों वैल्यू यहाँ पे आके मिलेगी, कहाँ पे, इस पॉइंट पे आके मिलेगी, देख लीजिए यहाँ पे आके मिल जाएगी दोनों। तो यहाँ पे सी का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 2 और 2। तो आप क्या कीजिएगा, इस तीनों कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट्स को ऐसे स्केल्स के हेल्प से आप इसको मिला दीजिए, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कभी भी बच्चों याद रखिएगा, आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अब इस ग्राफ, अब ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, आप इस पे इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इस पे हम लोग लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर। ये हो गया सिंपल सा सॉल्व हो गया, मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। मतलब ये दिए गए पॉइंट से जो है हम लोग कितना इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, गिवन पॉइंट क्या है कि गिवन पॉइंट इज 2 और 14। तो हम लोग जानते हैं क्या कि फर्स्ट वैल्यू क्या होता है, एक्स का होता है, देन सेकंड वैल्यू वाई का होता है, समझ गया। तो इससे हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं पहले। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2 और 14 कितना होगा, 16। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब दूसरा भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लूं, अगर 2 तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 18, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 कैसे हो गया, तो मैं जब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे लूँ 2, देख लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 18, वाई का वैल्यू 14 आना चाहिए, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y को रख लीजिए, 4 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 18 माइनस 4, इसीलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो सेटिस्फाइड कर रहा है y का वैल्यू। अब थर्ड इक्वेशन मान लीजिए कि आप अगर x का वैल्यू 3 ले लेते हो कि 3x आप प्लस वाई इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, 3 अगर लेते हैं तो 3 2 6, और 6 जो है आप उधर ले जाइए तो कितना हो जाना चाहिए, तो 6, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 20 में से अगर 6 अगर आप माइनस कीजिए तो 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। आप ऐसे ही सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3 आप प्लस वाई इज इक्वल टू 20, जैसे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, आप यहाँ देख लीजिए, तो 9 को उधर ले जाइए, हाँ 9 को आप उधर ले जाइए, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ x का वैल्यू 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 को आप उधर ले जाइए, तो 20 माइनस 6, इसीलिए y इक्वल टू कितना आ गया 14, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, सिंपल। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लेकर के इसके बहुत सारे इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, बन सकता है। अब क्यों बन सकता है, बिकॉज हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक्स और वाई का वैल्यू, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं जितना मर्जी उतना, मतलब कि इनफाइनाइटली, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, एक शहर में टैक्सी किराया इस प्रकार से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 अप्लाई किया जाता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, और उसके अलावा जितना किलोमीटर चलेंगे उसका ₹5 देना होगा पर किलोमीटर। सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹Y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। कहता है कि आप टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड करिएगा तो उसका आप एक्स किलोमीटर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस को, और टोटल जो फेयर आपका किराया होगा वो मान लीजिए ₹Y है। तो इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट करनी है। तो जो कि मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के चलते मैंने ये पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो। तो देखिए मैंने लिखा कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो कितना रुपये है, तो यहाँ पे टैक्सी फेयर है ₹8, ठीक, और फिर है टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, तो प्रत्येक यानी कि प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा किराया जो लगता है वो कितना रुपया है, तो ₹5 पर किलोमीटर, तो इसका है ₹5। अच्छा इसके बाद है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या कहता है, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, तो ये हो जाएगा एक्स किलोमीटर। और फिर कहता है टोटल फेयर, टोटल फेयर कितना है टोटल किराया, तो ये है ₹Y, तो इसको हम लोग मान लेंगे ₹Y, ठीक ना। तो अब देखिए कि इक्वेशन कैसे बनेगा, बिल्कुल भी आप इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा, आप एक मिनट ध्यान दीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे।
ठीक ना। तो देखिए हम लोग कैसे इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे टोटल फेयर ले लूंगा। टोटल फेयर मान लीजिए वाई रुपी है, तो और पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया देना होता है, एट रुपी। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए एट रुपी देना होता है, तो एट वन जा एट रुपी हो जाएगा। अगर मान लीजिए टू किलोमीटर के लिए रहता तो टू एट जा सिक्सटीन। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैंने पेड कर दिया। अच्छा, अब आप जितना चलेंगे पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे जितना भी, तो हर किलोमीटर के लिए कितना रुपया आपको देना होता है, फाइव रुपी देना होता है, समझ गया। अच्छा, तो फाइव रुपी देना होता है, बट आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो एक्स किलोमीटर किया। चलिए एक्स किलोमीटर मैंने यहाँ लिख लिया, लेकिन मैंने तो पहले ही एक किलोमीटर का पेड कर दिया आठ रुपी, तो ये एक किलोमीटर मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर लूँगा। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो अब क्या होगा कि आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो एट हो जाएगा प्लस फाइव इंटू एक्स, तो फाइव है, फाइव एक्स माइनस फाइव बन जा फाइव, यानी कि ये एट में से फाइव तो थ्री और प्लस फाइव एक्स, ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू रख लेंगे, जैसे एक्स और वाई। तो आप दो या तीन वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं एक्स का वैल्यू अगर जीरो रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये फाइव इंटू जीरो, यानी कि जीरो हो जाएगा। जीरो में थ्री ऐड कीजिए तो थ्री ही रहेगा। तो जब मैं एक्स का वैल्यू जीरो लेता हूँ तो वाई का वैल्यू थ्री। और फिर मैं क्या करूँगा कि अब जो है मैं एक्स का वैल्यू मान लीजिए मैंने वन ले लिया, तो फाइव इंटू वन, तो फाइव वन जा फाइव और थ्री कितना हो जाएगा, एट। मतलब y का वैल्यू 8 आ जाएगा जब मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 0 ये यहाँ पे ओरिजिन पे आएगी और y का वैल्यू 3 तो 3 यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ए दे करके, लिख सकते हैं कि 0 और 3। फिर है क्या, x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू आया 8, तो x का वैल्यू मैंने जब 1 लिया यहाँ तो y का वैल्यू आया 8। तो इस दोनों को सामने से आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके मिल जाएंगे। अगर ऐसे आप मिलाते हैं स्केल के हेल्प से तो मिल जाएंगे। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं बी कोऑर्डिनेट, जो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8। आप दोनों को क्या कीजिए, स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिए। तो यही आपका जो है इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे, यानी कि वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, वाई इक्वल टू थ्री एक्स थ्री प्लस फाइव, ये शो करेगा फाइव एक्स, ताकि ये शो करेगा कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, समझ गए। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। तो जो कि ग्राफ दिया गया है, कहता है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, बहुत सिंपल है ये चेक करना। आप कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ग्राफ में दो कोऑर्डिनेट्स है, ये तो ओरिजिन का तो जीरो जीरो होता ही है, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, पहला तो है क्या, तो माइनस वन और वन, एंड दूसरा क्या है कि वन और माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते भी हैं कि पहला वैल्यू ये एक्स का होता है, दूसरा वैल्यू वाई का होता है, ये एक्स का और ये वाई का होता है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाइड करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो पहला जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि आपका वाई इक्वल टू एक्स है, तो वाई का वैल्यू आप वन लीजिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस वन है, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड यहीं पर नहीं कर रहा, दूसरा पॉइंट कैसे करेगा फिर। अच्छा, फिर अगर आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पे जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग देख लीजिए, x का वैल्यू माइनस वन रखिए और y का वैल्यू आप क्या रखेंगे, प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि जीरो, हाँ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका हम दूसरा भी वैल्यू देख लेते हैं पुट करके। तो दूसरा वैल्यू आप पुट कीजिएगा, तो x का वैल्यू वन है, ठीक, और प्लस y का वैल्यू कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन दीजिए। तो देख लीजिए क्या होगा कि वन और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू जीरो। मतलब दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इस ये इक्वेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये जो ग्राफ दिया गया है हमारे पास, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अगर थर्ड में भी चेक कर सकते हैं, तो थर्ड में आप चेक कर लीजिए, थर्ड इक्वेशन है वाई इक्वल टू टू एक्स, तो वाई का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, कितना वन है, तो वन पुट कर लीजिए, और इक्वल टू टू इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन।
तो देख लीजिए, वन इज नॉट इक्वल टू टू, वन जा टू, माइनस टू नहीं इक्वल नहीं है। अच्छा तो इसका भी वैल्यू आपको अगर आप देते हैं तो ये भी नहीं इक्वल होगा, तो यानी कि इसको भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर इसमें हम लोग चलते हैं कि इक्वेशन हमारे पास कि टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे टू प्लस थ्री इंटू वाई, तो वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं माइनस वन, और ये इक्वल टू सेवन, इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, सॉरी इसमें से माइनस वन नहीं होगा, यहाँ पर वन होगा फर्स्ट पॉइंट, तो वन, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक। तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री वन जा थ्री इक्वल टू ये माइनस सेवन, देख लीजिए ये इक्वल नहीं होगा, होगा फाइव इज नॉट इक्वल टू माइनस सेवन, मतलब ये इसका भी ग्राफ नहीं है, तो एक ही इसका आंसर होगा ये इस ग्राफ का। तो सेकंड फिगर है बच्चों, आप उसके इसके बेसिस पे ऐसे ही वैल्यू पुट करके सेटिस्फाइड कर सकते। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसमें दोनों क्वेश्चन सेम ही है, टू क्वेश्चन है ओनली, तो मैं एक बता रहा हूँ, एक आप उसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से सेम प्रोसेस में। तो इसमें कहता है कि जो आपका वाई इक्वल टू थ्री है, इसको ज्योमेट्रिक कल रिप्रेजेंटेशन में इसके फॉर्म में, मतलब पहला वन वेरिएबल में शो करना है, दूसरा टू वेरिएबल्स में। तो पहला तो दिया है कि देखिए y इक्वल टू थ्री, तो y इक्वल टू थ्री, तो y तो सिंगल है वेरिएबल, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही अरेंज किया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक। एक तरफ आप ले लेंगे y और दूसरे तरफ y डैश, आप ऐसे ले लीजिए, बीच में ऑरिजिन ले लीजिए, वन टू, इधर माइनस में आएगा वाई डैश की तरफ माइनस वन, इधर आएगा सॉरी इधर कर लीजिए आप, तो वन टू और थ्री, इधर आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो वाई का वैल्यू थ्री है जो कि यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं वाई इक्वल टू थ्री। अब है कि टू वेरिएबल्स में, तो टू वेरिएबल्स में हम लोग क्या जानते हैं कि इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो किस फॉर्म में होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, इस इक्वेशन में फॉर्म इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो हमारे पास क्या है कि देख लीजिए, हमारे पास है y इक्वल टू थ्री, तो अब तो कहता है टू वेरिएबल्स में, तो अब टू वेरिएबल्स कैसे लाएं, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, आपको करना क्या है कि इसमें जीरो इंटू एक्स कर दीजिए, बिकॉज अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो हट गया, तो रिमेन जो वैल्यू रहेगा वैसे ही रह गया, ठीक, तो कोई चेंजिंग नहीं आया। तो अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारा दो टू वेरिएबल में इक्वेशन भी आ गया, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स और वाई का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, दो या तीन वैल्यू एक्स वाई, तो देख लीजिए अब यहाँ पे अगर आप एक्स का वैल्यू वन लेते हैं, तो वन इंटू जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, तो वाई का वैल्यू थ्री, यानी कि एक्स का वैल्यू वन लिए तो वाई का भी, वाई का आ गया सॉरी थ्री आ जाएगा। अगर आप x का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 लेते हैं, तो 0 इंटू टू ये हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ y इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3। जब x का वैल्यू आप 3 लेते हैं, तो 3 0 इंटू 3 तो ये हो गया 0, तो बचेगा सिर्फ 3, मतलब 3 3, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y 3, तो x का वैल्यू ये है, ये इधर पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ, तो y का वैल्यू 3, तो ये दोनों को मिलाइएगा आप ऐसे, तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। दूसरा है x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 तो y का 3, यहाँ पे आके मिल जाएगा ऐसे मिलाएंगे तो। फिर है तीसरा वैल्यू, x का वैल्यू भी 3 y का भी 3, दोनों को आप मिलाइए तो यहाँ पे आके ये मिल जाएंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका आ गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का, तो ये आपका जो है ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। सो बच्चों, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेसिस पे है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको लगेगा सॉल्व करने में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसके हेल्प से आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं इस लॉकडाउन के ऐसे सिचुएशन में, और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, मैं अब आपसे लाइव क्लास में मिलूंगा, वहां पे आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप अपने क्लासमेट्स को भी मोटिवेट करें ताकि वो भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सके, बिकॉज हम लोग जिस कंडीशन में जिस सिचुएशन में अभी चल रहे हैं, तो ऐसे घर बैठ के अपने समय को बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। तो हमारी यही एक इच्छा है कि आप लोग अपने घर पे भी रह के अपने काम को
करते रहें थोड़ा थोड़ा, अपने कैरियर पे थोड़ा बहुत ध्यान दें, बिकॉज ये लॉकडाउन हुआ है, आपका लक नहीं डाउन हुआ है, इसलिए आप लोग अपने लक को डाउन ना करें और अपने कैरियर पे ध्यान दें। अपने दोस्तों को भी बता दें कि भाई थोड़ा सा आप भी पढ़ाई पे ध्यान दो, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी आओ पढ़ो अच्छे से, थोड़ा बहुत जो हो जाए इस सिचुएशन में वो हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।